आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। बिजनौर नहटौर में पटाखा बनाने की फैक्ट्री में आग लग जाने से आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह, एसपी पूर्वी ओमवीर सिंह और सीओ अजय कुमार घटना स्थल पर पहुंचकर खुद तीनों अधिकारियों ने जांच बारीकी से शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि 2 से 3 व्यक्ति पटाखे बनाने वाले कारीगर घायल हो सकते हैं। धामपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार अग्रवाल भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हैं। जनपद बिजनौर के नहटौर थाना क्षेत्र में नूरपुर रोड पर डीके इंटरनेशनल स्कूल के सामने एक पटाखे की फैक्ट्री है, जिसमें किसी कारणवश आग लग गई। बिजनौर एसपी डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि फैक्ट्री लाइसेंस शुदा है। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर मौजूद है तथा आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। कस्बा नहटौर के नूरपुर रोड पर आउटर साइड में मुबारक हुसैन और शाहिद हुसैन नाम के 2 सगे भाइयों की पटाखा बनाने एवं भंडारण तथा बेचने की दुकान थी। लगभग 1-1.5 घंटा पहले उसमें आग लग गई थी। स्थानीय पुलिस बल एवं फायर ब्रिगेड ने तत्परता के साथ उसे बुझा दिया गया है। किसी के मरने की सूचना बिल्कुल नहीं है। 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। सीएससी हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टर से बात किया, मामूली चोट थी। 2 अन्य लोग हॉस्पिटल नहीं आए हैं। ये दुकानें लाइसेंसी थी, 2025 तक रिन्यूअल है। यह भी बताया गया कि अभी पुलिस ने इनको चेक भी किया था। फिलहाल विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।